नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, ये जो आप पौधा देख रहे हैं चने का पौधा है। देख लीजिए, इस प्रकार का चने का पौधा है, ये पूरा खेत है। चने की खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और गुजरात में होती है। मुख्य रूप से इसकी दो प्रजातियाँ पाई जाती है, एक देसी चना यानी चना और दूसरा काबुली चना। चने का क्षुभ लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर ऊंचा और सीधा होता है। इसका फैलाव भी होता है, इसकी कई शाखाएं भी होती है। इसके पत्र कंगुरीदार और छोटे होते हैं। इस पर गुलाबी रंग के सुंदर छोटे छोटे पुष्प लगते हैं। इसके बाद इस प्रकार की अंडाकार फली लगती है जो नुकीली होती है। औषध कार्य में चने के बीज, पत्र और सारे पौधे का उपयोग किया जाता है। इस फल में दो दो बीज लगते हैं जिसे चना कहा जाता है। हिंदी और आम भाषा में इसे चना, रहिला, बूट जैसे नामों से जाना जाता है। संस्कृत में इसे चणक, हरिमंथ, शक्लप्रिय और वाजी बक्स कहा है। पंजाबी में छोले, चना, मराठी में हरभरा और चने कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटिनम और अंग्रेजी नाम बंगाल ग्राम है। दोस्तों, चने का प्रयोग सदियों से साग बनाने के रूप में किया जाता है और अश्वों को खिलाया जाता है, जिससे इसकी ताकत बहुत बढ़ती है। चना पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है और ताकत का खजाना है। आयुर्वेद में चने की बहुत सराहना की गई है। इसके गुणों की हम बात करें तो ये स्वाद में मधुर, कसीला, शीतल प्रकृति का और पचने में हल्का है। इसको खाने से कफ पित्त मिटता है और वात की वृद्धि होती है। इससे बल बढ़ता है, रुचि बढ़ती है और अस्मरी नाशक होता है। चने को अगर घी के साथ खाया जाए तो ये शरीर की तीनों दोषों को दूर करता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला इसका प्रयोग है, चने को भूनकर इसकी पोटली बनाए और सूंघे। इससे सिर दर्द जल्दी ही खत्म हो जाता है, यानी भुने हुए चने को सूंघने मात्र से ही सिर दर्द मिट जाता है। दोस्तों, अगर किसी को खांसी हो गई हो तो रात में सोने से पहले भुने हुए चने को खाए और ऊपर से थोड़ा गुड़ भी खाए। दोस्तों, 2 से 3 दिन ऐसा करने से खांसी मिट जाती है। इसके अलावा भुने हुए चने को सोने से पहले खाकर ऊपर गर्म गर्म दूध पिए। इससे श्वास नलिका की सूजन उतर जाती है और कई विकार मिटते हैं। इसका अगला प्रयोग है पेट के रोगों को दूर करने का। चने को थुहर के दूध में भिगो ले, फिर इस चने को भून कर खाए। इससे कठिन से कठिन पेट में जमा हुआ मल निकल जाता है और पेट का दर्द भी दूर होता है। लेकिन इसे बहुत कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि थुहर का दूध बहुत विरेचक होता है। दोस्तों, चने के क्षुभ की जो भूसी होती है इसे हुक्के में रखकर इसका धुआं लेने से हिचकी बंद हो जाती है। दोस्तों, जिन लोगों को भूख न लग रही हो, दस्त हो और पेचिस आदि समस्या से पीड़ित हो, ऐसे लोगों को चने के पौधे से एक प्रकार का अम्लीय निर्यास यानी क्षार निकलता है, इसका सेवन करना चाहिए। इससे भूख बहुत बढ़ती है और दस्त मिटता है। अब जानते हैं इसके अगले प्रयोग के बारे में। जिन लोगों को बार बार पेट में पथरी बनती हो और दर्द हो रहा हो, तो ऐसे में चने के पूरे पौधे को रात भर पानी में भिगोकर रखें। उस पानी को कपड़े से छान लीजिए और 20 से 30 मिली की मात्रा में कुछ दिनों तक पिए। दोस्तों, चने के पत्तों के चूर्ण को 2 से 4 ग्राम की मात्रा में खाने से मधुमेह कंट्रोल में होता है। चने के पत्तों को पानी में उबालकर पीसकर जहां जोड़ों का दर्द हो रहा हो उस स्थान पर लेप लगाए। इससे कुछ ही दिनों में जोड़ों का दर्द मिट जाता है। चना त्वचा के रोगों में भी अधिक फायदेमंद होता है। ये त्वचा की सुंदरता को बढ़ाता है। इसके लिए चने के आटे को मुंह पर अच्छी तरह से लेप बनाकर लगाए। लगभग 15 से 20 मिनट तक रखने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए। ऐसा रोजाना करने से मुंह से नष्ट होते हैं, चेहरे की झाएं दूर होती है और चेहरा खिल उठता है। दोस्तों, शरीर का बल बढ़ाने के लिए चने का उपयोग सालों से किया जाता है। इसके लिए चनों को रात में पानी में भिगोकर रखें, सुबह उठकर उस पानी को छानकर रोजाना पिए। इससे शारीरिक दुर्बलता मिटती है और बल बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थी